टोक्यो ओलंपिक में बिना पदक के लौटने से विनेश फोगाट निराश हैं। फोगाट पर टोक्यो ओलंपिक अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर उन्हें अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है, जिसके बाद विनेश ने अपना जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि टोक्यो ओलंपिक के बाद हो रही आलोचनाओं और सवालों के मद्देनजर वो कुछ समय के लिए कुश्ती छोड़ सकती हैं। उन्होंने भारतीय कुश्ती संघ यानी कि WFI पर आरोप लगाते हुए चोट के साथ अपने संघर्ष, फिटनेस और मानसिक स्वास्थ्य सहित तमाम मुद्दों पर बातचीत की। विनेश ने कहा कि मैंने कुश्ती को सब कुछ दिया है और अब इसे छोड़ने का सही समय है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर मैंने छोड़ दिया और मैं नहीं लड़ी तो ये मेरी सबसे बड़ी हार होगी। 2017 में मुझे कंकसन सिर में चोट लगने पर बेहोशी जैसी स्थिति हो गई थी, तब से मैं इससे पीड़ित हूँ। चीजें धुंधली हो जाती हैं, अब यह काफी कम हो गया है, लेकिन जब भी किसी चीज से सर पर चोट लगती है तो ये वापस लौट आता है। वहीं WFI पर आरोप लगाते हुए कहा कि WFI ने मुझे मेरा फिजियो साथ ले जाने की इजाज़त नहीं दी। मुझे जो फिजियो दी गई थी वो निशानेबाज टीम की भी फिजियो थी। वो मेरे शरीर को नहीं समझती थी। मैं वजन कम करने को लेकर इतना संघर्ष कर रही थी। कुश्ती के लिए जाते समय बस में मैंने उल्टी कर दी थी, जिसके बाद मैंने अपने पुराने फिजियो को फोन करके पूछा कि क्या किया जाए। अपनी कमजोर मानसिकता क्षमता को लेकर विनेश ने कहा कि अब मुझे रोने में भी दिक्कत होती है। मेरी मेंटल स्ट्रेंथ जीरो है। मुझे मेरी हार पर दुख भी नहीं मानने दिया। हर कोई हाथ में चाकू लेकर तैयार बैठा है। विनेश ने अपने कोच वुलर आकोस और बाकी पूरे स्टाफ सदस्यों का बचाव किया। उन्होंने कहा कि हम सिनोम बाइल्स की बात की तारीफ करते हैं, जिन्होंने मुझे हर समय संभाला। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि किसी ने मुझसे पूछने की कोशिश नहीं की कि आखिर मैट पर क्या हुआ था। सबने अपने आप फैसले लेने शुरू कर दिए। बहरहाल, हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।